वेलकम फ्रेंड्स। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में और रेडिकल सिंप्लीफिकेशंस कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग पार्ट वन में काफ़ी कुछ सीखे और काफ़ी कुछ रूल्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये पार्ट टू है, पार्ट टू में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मिस किया पार्ट वन का वीडियो, तो उन लोगों के लिए सजेशंस है, सजेशंस फॉर देयर प्लीज़ वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशंस, हाउ टू सॉल्व द रेडिकल एक्सप्रेशंस फर्स्ट वीडियो, दैट्स पार्ट वन। तो आप लोगों को वो थोड़ा सा देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे विषय के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ। ये जो हम लोगों ने सीखा कि मल्टीप्लिकेशंस कैसे करना चाहिए रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में, मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। और इसको जो है ये होता है ऐसे, और इन दोनों सेवन के वजह से हम लोगों को एक सेवन बाहर मिलता है, और अंडर द रेडिकल हम लोगों को इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 मिलता है। तो सेवन रूट 15 ये हो गया हमारा एक्सप्रेशंस। और इसके लिए आप लोगों को जो है ए वाला जो रूल से ए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और देन दिस फॉर्म को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने इसके बारे में इन माय फर्स्ट वीडियो बहुत सारा डिस्कस किया। तो चलिए ए भी हम लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। और ये कुछ दिनों के बाद ये बुक के आकार में किंडल फॉर्म और पीडीएफ के आकार में आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इस एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फैक्टर आउट एनी परफेक्ट स्क्वायर इन द रेडिकेंट इफ पॉसिबल। रेडिकेंट में यानी कि यहाँ पर रेडिकेंट जो रहता है, यहाँ पर जो रेडिकेंट रहता है, तो उसको जितना चाहे जितना पॉसिबल हो आप फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा जितना पॉसिबल हो, तो फैक्टर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया है, दिस इज द फर्स्ट रूल कि रेडिकेंट जो अंडर रहता है इन द स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, तो उसको बोला जाता है कि रेडिकेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे किया गया है मल्टीप्लिकेशंस। सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए जो होता है ए बी यानी कि ए इंटू बी, ए आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो सिंप्लीफाई जो डिविशंस आता है, तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस हम लोग सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कैसे रेडिकल एक्सप्रेशंस का डिविशंस किया जाता है, कैसे मल्टीपल एक्सप्रेशंस का एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस किया जाता है, एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट जो मैं सोचता हूँ कि किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को जो चाहिए। ये देखिए, ये वीडियो बनाया जा रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मैथ छोड़ दिया और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, क्योंकि मैथ बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोगों को जानना चाहिए। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रीजनिंग में आ जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हम लोगों को जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो डिविजन्स किया जा रहा है, तो होल ए बी, ये देखिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, देन आपका जो आप डिविजन्स जब करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस का, तो आप कर सकेंगे, ठीक है। दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग्स, राइट रेडिकल एक्सप्रेशंस एज द क्वेश्चंस ऑफ टू रेडिकल एक्सप्रेशंस, एंड नंबर टू सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई कीजिए जितना हो सके। और पहले वाले स्लाइड्स में हमने देखा कि जितना हो सके ये रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंट है उसको जितना हो सके हम लोग फैक्टर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर किया गया है जो 36 होता है 6 × 6 36 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा, तो थोड़ा सा रिकैप है। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया उन लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट आप आज देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक नया कुछ मिलेगा सीखने को, ठीक है। मैं आगे चलता हूं क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सारा का सारा डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। देखिए कैसे आ रहा है, सारा का सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है और यहाँ पर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशंस भी दिया गया है और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है हम लोग खुद करेंगे। देखिए यहाँ पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर सब्सट्रैक्शन से एडिशन से कैसे किया जा सकता, तो सिंप्लीफाई आप करेंगे कैसे। आप पहले तो इसको सोचिए मत, ये ऑफ कर दीजिए और जो है सेपरेटली आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते रहिए एंड देन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ओके एंड मैं पहले भी बोला था इसको, यानी कि जो बाहर रहता है नंबर आउटसाइड द रेडिकल जो बाहर यहाँ पर रहता है, मैं ठीक तरीके से इसको बोलता हूँ, इसको बोलते हैं कोफिशियंट्स। ये टर्म्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और अंडर जो रहता है नंबर इनसाइड द रेडिकल उसको कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है। एंड दिस इज ओके। नाउ यूज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हम लोग यहाँ पर कैसे किया, हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कशन किया। फैक्टर एनी परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम द रेडिकेंट, ओके। नंबर टू, राइट द रेडिकल एक्सप्रेशंस एज ए प्रोडक्ट ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशंस एंड देन सिंप्लीफाई। यहाँ पर हम लोगों ने 300 ए 100 एंड 3 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 300 होता है, देन दिस एक्सप्रेशंस एंड ए जो है आगे और भी हो सकता है फैक्टर 10 × 10, देन इस दोनों 10 से हम लोगों को एक 10 बाहर मिलेगा और देन √3। दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैसे प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ऐसे किया जा सकता है। तो पहले हम लोगों को इसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट, ठीक है। यूजिंग द प्रोडक्ट रूल टू सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट, सेपरेट द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू सेपरेट रैशनल एक्सप्रेशंस, ओके। एंड दैट इज द ए, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बहुत सारा जानकारी हम लोगों ने लिया। तो यहाँ पर देखिए जब ए और बी नॉन नेगेटिव है, ये रिकैप्सेशन है इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करूँगा, आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। देन एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग जो रूल्स हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप लोगों को ए जो है ए आप लोग भूल जाइए इसके बारे में, यहाँ पर कौन से एक्सप्रेशंस है एंड देन आप लोगों को कौन से एक्सप्रेशन से ए आप भूल जाइए। देन पहले तो इस पार्ट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट सिंप्लीफाई दिस थ्री पार्ट्स सेपरेटली, ओके। सेपरेटली हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, देन जो फाइनल
इन तीनों का रिजल्ट मिला, देन हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई ईच रेडिकल एंड देन एड और सब्सट्रैक्ट रेडिकल्स रिमाइंडर। रिमेंबर आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा दैट वी कैन ओनली कॉम्बाइन लाइक रेडिकल्स, जो लाइक रेडिकल्स है हम लोग किसी को कंबाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली कॉम्बाइन लाइक रेडिकल्स। ओके, जो यहाँ पर लाइक रेडिकल्स है उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवन जो है देन प्लस, दिस इज अ प्लस साइन एंड पुट दिस प्लस साइन हेयर एंड द माइनस साइन हेयर एंड देन थ्री। ओके, दिस थ्री हेयर, देन हम लोगों को जो आंसर मिलता है नाइन। देन नाइन आउटसाइड द रेडिकल एंड अंडर रेडिकल इज टू, दिस टू। ओके, देन आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक आप लोगों को लग रहा है कि क्यूब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट सीखते सीखते क्यूब के बारे में भी पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि ये डिस्कशन करना अच्छा होगा। तो देन आप लोगों को जो है पहले तो मैंने जो बताया वैसे ही आप लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, इसको भूल जाइए, दिस एडिशंस आप इसको भूल जाइए, देन फॉरगेट अबाउट दिस एंड आप लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, देन आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दिस स्टेप्स। ओके, सारा का सारा कुछ यहाँ पर बोला गया है एंड यू नो अबाउट दैट। द यूट्यूब वीडियो में क्या होता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म हम लोग नहीं बना सकते, लॉन्ग टर्म वीडियो बहुत सारे डिसलाइक पड़ते हैं और लोग पसंद नहीं करते हैं आजकल बच्चे, इसीलिए पहले से यहाँ पर लिखा गया है ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, देन हम लोग चलते हैं और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, देखिए दिस इज हम लोगों ने यहाँ इसके बारे में पढ़ा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए जो रेडिकल के अंदर है उन दोनों को मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो प्रोडक्ट है ये निकल के बाहर आ गया अभी। ठीक है, देन यहाँ पर जो अंडर रेडिकल है इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, आगे तोड़ सकते हैं, एज यू सी यू कैन स्क्वायर ऑफ थ्री इंटू थ्री दैट्स इज नाइन एंड नाइन अंडर दैट इज ओके। द आंसर इज ए हो सकता है और ए भी हो सकता है आंसर रूट 18। ठीक है, द आंसर थ्री बिकॉज द फैक्टर ऑफ 18 आर 2 एंड 9 एंड सिंस 9 इज परफेक्ट स्क्वायर यू कैन टेक इट आउट ऑफ द रेडिकेंट। ओके, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा लॉजिक यहाँ पर क्या है, आप लोग समझ जाएंगे क्यों हम लोग ऐसा लेते हैं। अगर टू ए ए अंडर रेडिकल एक सेम टू सेम रहे तो एक कैसे लिया जाता है, क्यों लेते हैं, दैट इज द क्वेश्चन एंड सिंप्लीफाई दैट दिस इज हम लोगों ने सीखा कि कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि अगर डिविजन्स हो, लेकिन हम लोगों ने ऐसा देखा था कि ऐसा फुल अंडर देखा था, इसके सबके अंदर देखा था, लेकिन हम लोगों के पास एक और एक सवाल आया है कि ऐसे जब आएगा तो तब उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लुक एट हेयर, हम लोगों ने क्या किया, ये जो पार्ट है दिस पार्ट को हम लोगों ने ऊपर और नीचे डिवाइड किया, देखिए ऊपर और नीचे डिवाइड किया। ठीक है, नोट दैट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय रेडिकल 3 इज बिकॉज दैट सिंप्लीफाई इक्वल्स टू 1।
ए जो सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वल्स टू वन होता है। देन एनी थिंग टाइम्स वन इज इट सेल्फ, कोई भी चीज़ अगर एक बार एक के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर वापस लौट के आता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। देन ए निकल के बाहर आया, ठीक है। अगर देखिए ये जो दोनों है तो एक होता है थ्री, देन थ्री पुट दिस थ्री है, ओके, रिमूव द रेडिकल्स एंड बिकम्स रेडिकेंट, इट्स बिकम्स थ्री, ओके। चलिए आगे चलते हैं और एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं एडिशंस और सब्सट्रैक्शन के बारे में। देन ऐड और सब्सट्रैक्ट द रेडिकल्स, रिमेंबर दैट वी कैन ओनली कॉम्बाइंड लाइक रेडिकल्स, राइट रेडिकल्स, राइट रेडिकल्स, दिस इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा, हम लोग लाइक रेडिकल्स को हम लोग खाली कॉम्बाइंड कर सकते हैं, हम लोग ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दिस सेशन हम लोगों ने जो सीखा, देखिए यहाँ पर लाइक है, दिस इज ऑल्सो लाइक, ठीक है। एंड आई वॉन्ट गोइंग टू चेंज दिस कलर, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर के पोर्शंस है, दिस पोर्शंस एंड दिस पोर्शंस मल्टीप्लाई, ओके, एंड दिस पोर्शंस एंड दिस पोर्शंस मल्टीप्लाई, पोर्शंस एंड दिस पोर्शंस मल्टीप्लाई, दिस टर्म्स एंड दिस टर्म्स मल्टीप्लाई, ओके। नाउ 14 54, दिस इज कॉल्ड 12, एंड 4 इंटू 3 इज 12, एंड दिस 12 पुट आउटसाइड द रेडिकल, एंड दिस इज 20। देन हम लोगों को क्या बोला गया है यहाँ पर, यू कंबाइन लाइक रेडिकल्स, हम लोग कंबाइन कर सकते हैं लाइक रेडिकल्स, दिस इज द पॉइंट, मेन पॉइंट। तो दिस वन एंड दिस वन, ओके, पुट टुगेदर एंड दिस वन एंड दिस वन सब्सट्रैक्ट, ओके। एंड सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों के पास जो रहा माइनस दिस, दिस इज आवर आंसर, ओके। चलिए आगे चलते हैं और सिंप्लीफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो पहले तो इस जगह को देख के आप लोग डोंट फेयर अबाउट दिस, इसको आप लोग उतना घबराइए मत। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, दिस पोर्शन सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, देन खुद ब खुद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है मल्टीप्लाई हो गया, देन 6, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई, 30, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई, देन इज 8, ओके। सेम टू सेम है, ये आप लोग देख के ही समझ जाएंगे ये कैसे किया गया है, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, इसीलिए यहाँ पर पहले से लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं, और आप लोगों को, आप लोग अगर राइट डाउन करना चाहते हैं प्रॉब्लम, राइट डाउन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आप लोगों का जो है वो परफेक्शंस बढ़ेगा। तो आगे यहाँ पर हम लोगों के पास और एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस, ऐड एंड सब्सट्रैक्शंस एक साथ है, बोथ टुगेदर। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पोर्शंस अंडर द रेडिकल, दिस पोर्शंस यू हैव टू सॉल्व दिस पोर्शंस, दिस पोर्शंस, ओके। देन सॉल्व करने के बाद
हम लोगों के पास जो मिलता है, दिस इज दिस क्वेश्चन एंड फॉर द 2 5 यू कैन गेट 1 एंड दिस फॉर गेट 3। ओके, दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द फाइनल। देन इसका जो ओरिजिनल जो पार्ट होगा वो हम लोगों ने सीखा कि लाइक टर्म्स जो है, लाइक रेडिकल्स जो है, उसको ही हम लोग खाली कॉम्बाइंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन जो है हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट एंड एडिशंस करने के बाद माइनस हम लोग प्रेस करने वाले हैं ताकि आप लोग ठीक तरीके से देख पाए। एंड प्लीज राइट डाउन दिस प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लोग हम लोगों ने सीख लिया रूट इज़ नॉट अलोन। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट जो है वो एक अकेला अकेला नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में, यू कैन यूज़ द सेम टेक्निक बट व्हाट यू डू मल्टीप्लिकेशंस डायरेक्ट। हिंट यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, सेम टेक्निक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो है डिविजन्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए और एक यहाँ पर भी सेम आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ दिखा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा जम्बलअप टेक्निक से सिखाया जा रहा है। सिंक्रोनाइज हम लोगों ने सीखा मल्टीप्लिकेशंस डिविजन्स एंड सब्सट्रैक्शंस एडिशंस के बारे में, कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है इन द टाइम ऑफ रेडिकल्स हाँ, और स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए तो ऊपर और नीचे हम लोगों ने रूट टू से हम लोगों ने डिविजन्स कर दिया। देन दिस ऑपरेशन डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ आवर फ्रैक्शंस, इस फ्रैक्शंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा, एनीवे ये वन होगा। ठीक है, एंड फ्रैक्शन डज नॉट चेंज बाय मल्टीप्लाइंग। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी चेंज नहीं होगा, जो आंसर है ये होगा, दिस इज आवर आंसर। देन हम लोग जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होते हैं, रूल्स फार्मूला यूज़ होते हैं, दैट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब डिफरेंट डिफरेंट है, ए बी है, जब ए बी है तो सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंडर रेडिकल जो है ए बी, दिस ए बी को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 2 है 3 है, बस 2 3 6 हो गया, ए ए करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 एंड 2 रहा, सेम टू सेम है, तो देन ए 2 होगा। ठीक है, दिस इज यहाँ पर बोला गया है। और देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर होल सबके ऊपर है, तो ये जो है ओके। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए वी विल अज्यूम दैट द ऑल वेरिएबल्स आर पॉजिटिव। यहाँ पर या जो है वेरिएबल्स है, तो इस वेरिएबल को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, लेकिन अगर नहीं माने तो ऐसा लिखना होगा कि ए जो है माइनस भी हो सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना होगा। तो हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं तो इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर 3 एंड 3 जो है, तो देन स्क्वायर, और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया। देन वी अज्यूम दैट द ऑल वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, ऑल वेरिएबल्स पॉजिटिव हम लोगों ने मान लिया। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस है उस एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। देन सिंप्लीफाई, और एक सिंप्लीफाई करेंगे, बिगिन बाय डिटरमाइनिंग द स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ दिस वन।
यहाँ से एक और सिंप्लीफिकेशंस ले लेते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 18 एंड क्या करना होगा, इसके अंडर देखना होगा कि कितना स्क्वायर है। तो यहाँ पर से तो हम लोगों को एक मिलेगा यहाँ से, और बाकी एक्स यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर एक मिलेगा और वाई स्क्वायर और एक मिलेगा, दो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुट डाउन किया गया है, पुट डाउन किया गया है, और दिस क्वेश्चंस इसको ऐसे ऐसे, और दोनों थ्री है तो द थ्री स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेक मोर सब्स्टिट्यूशंस एंड देन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल फॉर द रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर टू थ्री मिलेंगे हम लोगों को, एंड देन थ्री, दिस इज थ्री स्क्वायर। ओके ओके, अप्लाई प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो। तो मैं इरेज करने वाला हूँ, प्लीज़ राइट डाउन दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। दिस इज, मैं जो पहले बोल दिया था आप लोगों को, यहाँ पर एक्सप्रेशंस किया गया है, दिस इज़ कॉल्ड द इंडेक्स, रूट इंडेक्स। ओके, दिस इज़ कॉल्ड रूट इंडेक्स एंड दिस इज़ कॉल्ड रेडिकेंट। ओके, जो अंदर रहता है रेडिकल स्क्वायर, रूट के अंदर रहता है, तो उसको कहते हैं रेडिकेंट। ओके, सिंस यहाँ पर तीन बार है, टू इंटू टू इंटू थ्री, दिस क्यूब रूट। ओके, दिस इज क्यूब रूट। यहाँ पर अगर स्क्वायर रहता और यहाँ पर फोर रहता तो स्क्वायर रूट। ओके, दिस इज, और ये स्क्वायर यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस। ओके, क्यूब रूट। थ्री इज कॉल्ड रूट इंडेक्स एंड एट इज कॉल्ड रेडिकेंट। आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं ऐसे, इस तरीके की प्रॉब्लम आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। देखिए, मैंने जो बोला, अगर क्यूब यहाँ पर लिखा गया तो क्यूब के बारे में सोचेगा, इतनी इसके अंदर कितने थ्री है। ठीक है, कितने तीन बार, कितने स्क्वायर एक्स है, देन एक्स स्क्वायर, ये जो हम लोग मिल गए हम लोगों को, देन वाई के अंदर कितना है। देखिए, अगर y को तोड़ा जाए तो यहाँ पर होता है y टू द पावर 6 एंड एक y रिमेनिंग रह जाता है, तो देन इसको अगर तोड़ा जाए एक स्क्वायर बाहर, और ये हो गया y स्क्वायर होल क्यूब, देन y एंड क्यूब फैक्टर्स, और क्यूब फैक्टर्स हम लोगों को मिल गए, तो हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट इसको देख लिया, तो अप्लाई करेंगे सेम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए तो आप लोगों को आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशंस, रेडिकल एक्सप्रेशंस कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। फिर से हम लोगों के पास सेम टू सेम जो रूल्स है वो तो लाया गया। ओके, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन इज ऑड, एक दिखाया जाएगा ऑड और एक एक टाइम दिखाया जाएगा इवन। ओके, व्हेन एम इज ऑड, ओके, अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर, आप लोग समझ गए। देन दिस इज और फाइनल जो आएगा, दिस
टू वाई, ओके इज द आंसर। नाउ और एक प्रॉब्लम हम लोगों के पास आया है जहाँ पर दिखाया जाए दैट द स्क्वायर रूट हैज इंडेक्स टू, यूज द फैक्टर फैक्ट दैट, ये जो फैक्ट है हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए एन 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 इज इवन, मैंने बोला था कि एक बार ऑड दिखाऊंगा एक बार इवन दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर इवन है तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पर इवन है 9x स्क्वायर, देन इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 3 × 3 यहाँ पर मिलेगा, देन 3 स्क्वायर यहाँ पर लिखिए एंड रूट एक्स स्क्वायर, देन दिस इज कॉल एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो रखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक इसका वैल्यू जो है, क्योंकि दिस इज कॉल वेरिएबल, एक्स जो है वेरिएबल है, वो वेरिएबल चेंज कर सकता है, अपना वैल्यू चेंज कर सकता है, तो इसीलिए हम ये नेगेटिव हो सकता है, हाँ तो इसीलिए जो है एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रहेगा 3 एब्सोल्यूट वैल्यू। क्यूब रूट ऑफ 8 स्टैंड फॉर द नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, ठीक है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, द क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, ओके द शॉर्ट हैंड नोटेशंस व्हिच स्टैंड फॉर द ए रेडिकल सिंबल्स, ए रेडिकल सिंबल हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू है और इसको 2, ए पावर व्हिच इज डेसिमल इज आल्सो ए शॉर्ट हैंड नोटेशंस व्हिच स्टैंड्स फॉर द रेडिकल सिंबल, ओके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बार एंड दस, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिया गया है जिसके बारे में आप लोग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो आप लोग देख के ही समझ जाएंगे कैसे सॉल्व किया गया है, देख के ही आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ पर वैसे ही किया गया है कि आप लोग देख के ही इस बुक को देख के ही समझ जाए, ठीक है बिल्कुल हैंड रिटन बुक है और एकदम नीट एंड क्लीन एक्सप्रेशंस, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। आप लोग इस बुक को किंडल में पढ़ सकते हैं अबाउट रेडिकल एक्सप्रेशंस, हाउ टू सॉल्व रेडिकल एक्सप्रेशंस, एंड यहाँ पर बहुत सारे जो है एग्जांपल दिए गए हैं, वर्कआउट एग्जांपल दिए गए हैं जिससे आप लोगों का जो रेडिकल एक्सप्रेशंस आप लोग एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम फेस होता है वो आपका दूर हो जाएगा। मेन जो चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो अगर बेसिक क्लियर हो तो कोई भी दिक्कत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे ये जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व आउट किए गए हैं एंड दिस इज़ ये आप लोगों को दे दिया जाएगा, प्लीज़ राइट डाउन दिस वन। मैं पॉज करता हूँ कुछ देर के लिए वीडियो, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़, और देखिए ये जो एक्सप्रेशंस है आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको मत देखिए प्लीज़, इसको मत देखिए। तो ये जो एक्सप्रेशंस है आप लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए हम लोग जो है यहाँ पर प्लस दिया गया है तो हम लोग आप लोग सोच सकते हैं इसको माइनस अगर करके हम लोग कुछ करे तो इसका हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऐसे किया गया है, ठीक है दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने नहीं वाला है। आगे चलते हैं यार, ऑल्सो द सेम प्रॉब्लम, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉरी, ये जो है ऐसे अगर प्रॉब्लम दिया जाए, अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए ए बी एंड बी, यहाँ पर मान लेते हैं कि सी है एंड देन इसको
जो है अंडर जो डिनोमिनेटर है तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। देन इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो माइनस है इसका ऑपोजिट लिखिएगा प्लस एंड ऑल्सो प्लस ऑपोजिट, ओके। दिस इज ऑल्सो द डिविजन्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया है। देन यहाँ पर वैसे ही डिविजन्स के बारे में बोला गया है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देते रहेंगे हम लोग ताकि आपको ये जो रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। देखिए फिर से एक मल्टीप्लिकेशंस आया हम लोगों के पास और उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, थोड़ा सा यहाँ पर बोलना ज़रूरी है। देखिए दिस एक्सप्रेशंस एंड दिस एक्सप्रेशंस हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करके 15 मिलता है एंड 16, देन 16 फर्दर जो है वो नहीं, यहाँ पर नहीं होगा और जो होता है 16। स्क्वायर रूट एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डिफरेंस इज दैट माइनस बाहर, यहाँ पर बाहर है माइनस, उसको कैसे डील करना है वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो है ये एक्सप्रेशंस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर क्यों दिया गया है ताकि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए व्हाट इज़ दिस, 18 एंड ये जो है सब डिवाइडेड करने वाला है, फैक्टर इसका फैक्टर, देन लाइक टर्म्स, माइनस इंटू टू रूट टू प्लस 3 root 2 2 plus 3 root 2, ठीक है। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स जो है उसको हम लोगों ने ऐड किया, उसके बाहर जो है उसको हम लोगों ने माइनस और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए माइनस 1 और दिस 1 दिस एक्सप्रेशंस, ओके। तो आप लोगों को एक बुक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं चलते चलते थोड़ा सा एक्सप्रेशंस यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का टाइम जो है अप हो रहा है, टाइम ख़त्म होने वाला है तो ये वीडियो भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो आगे चलते हुए हम लोग और भी सीखेंगे और भी देखेंगे, और यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, मैं वीडियो पॉज स्लाइड करते हुए जा रहा हूँ। थैंक यू, और आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।